बाद में से निकाल रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है सब। Thank you.
पत्तियाँ, ये चीनी से भी 40% ज़्यादा मीठी है और डायबिटीज पेशेंट यदि इसका उपयोग करें तो ये इंसुलिन प्रमोट करके डायबिटीज कंट्रोल करती है। यस हाँ हाँ यस 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 बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। पेट में गैस बनती हो, मत रहती हो या ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो, हाँ इसमें ये तरीके का आंवला है, गिलो अश्वगंधा बड़ा मोहिंग। इसके इसके भी अगर मैं डॉक्टर हनी Yeah.
up with us Ms. Madhu, again a famous film personality who has also given her valuable time to support this most precious subject close to her heart. And we have Ms. Diane Pandey, who has also come here to support the event and also tell us about the importance of organic products. And we have with us our Honorable MLA Madam, Tripti Sawant Madam, who has also given her valuable time to be present for this press conference today. And we have Ms. Nandita Mishra Madam, Joint Secretary and Economic Advisor in the Ministry of Women and Child Development, Government of Maharashtra, Government of India, sorry, who has also. So now I would like to request Ms. Pankaja Munne Madam to kindly start the press. स्वागत आहे. आय वेलकम यू ऑल ऑल द डिग्निटरीज ऑफ द डायस अँड ऑल द प्रेस गाईड कॅमेरामॅन ऑल द प्रेस रिपोर्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ऑल ऑफ यू आय वेलकम यू ऑल फॉर दिस युनिक प्रोग्राम हियर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑर्गॅनिक फूड ॲज वेल एज ऑर्गॅनिक फार्मिंग अँड यू मी बी अकॉर्डिंग embossing what we are doing is going to be a brand ambassador for this program. And Honorable Jackie Ji is here. She's a great friend and great human being. Honorable Madhu Ji is here. And she really encourages all the organic things, and she is going to help these women to kind of enhance their marketing and all these things, and she will be able to guide them. Also, my state minister Thakur is there, my Indira ji is there, who is leading my basically I will be talking in three languages because I'm from Maharashtra, so of course I cannot ignore Marathi. I'm staying in India, so I cannot ignore my national language, my Hindi. And now since we are going to address to all kind of people here, so I'm going to speak in बेसिकली हम जब पहले बचपन में जब पिक्चर्स देखते थे या टी वी में कोई सीरियल देखते थे और तभी एक आधी मूवी बनती थी जिसमें उसके मेन लीड एक्टर या एक्ट्रेस को कैंसर है और वो बहुत बड़ी बात लगती थी. जब हम बचपन में ये सब देखते थे तब कैंसर ये सिर्फ मूवीज में है ऐसा लगता. जब कोई एक कैंसर पेशेंट के ऊपर मूवी बनती थी, मुझे याद है बहुत बचपन में हमने एक मूवी देखी जिसमें खुशबू was playing a child role and she was Sunita's daughter and she had cancer. So we have a lot of cancer, but we have seen it in the cinema. Anand ne humne dekha Rajesh Khanna ji ko cancer tha, to ye movies mein dekhne wali cheez thi. Iske upar aaju baaju mein stories bunti jati thi, uske upar logo ke bahut sensitive reactions hote the. Par aaj jab main dekhti hu ki mere neighborhood mein cancer hai, mere family mein cancer hai, isliye जान पहचान में मेरे दोस्तों में और इट इज डूइंग लाइक लिटरली लाइक कैंसर इटसेल्फ बिकॉज कैंसर इज व्हाट इट इज अननेचुरल ग्रोथ ऑफ एनी सेल. और जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है उसके अगर हम थोड़े से डीप में जाएं तो जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी डिमांड है, वो इसको बढ़ा रही है. तो बहुत सारी बीमारियों से दूर जाने का एक मेन अभी उपाय है, हमें हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है, जो हमने एंशिएंट इंडिया में किया है, वो वापस हमारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं. वी आर गोइंग टू अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर गोइंग टू अगेन प्रोडक्ट्स विच आर नॉट केमिकली फर्टिलाइज एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एनकरेज दैट. आज मैं देखती हूँ मेरे विजिटर्स में अगर 100 लोगों से मैं रोज मिलती हूँ, उसमें से 10 पेशेंट्स होते हैं और उसमें से 5 लोगों को कैंसर होता है और वो चाहते हैं कि मैं उनको मदद करूं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते. क्यों? कल ही हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि हम प्लास्टिक बैन करेंगे गुड़ी पाड़वा जो हमारा मराठी न्यू ईयर है उस दिन से. सो आई रियली वेलकम दैट डिसीजन ऑफ पर्यावरण मंत्री ने जो हमारा डिसीजन लिया वो हम प्लास्टिक बैन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज अ बिग कॉज ऑफ द कैंसर. तो तनुजा जी यहाँ आई है, आई वेलकम हर एंड प्लीज आई वेलकम. Ladies and
and gentlemen, we'd like to welcome Ms. Tanuja with a big round of applause, please. So I welcome Tanuja Ji also running this event and women development and women in child welfare. Mobile. Anything. तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने की ज़रूरत है और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठानी है और हमारे केंद्रीय मंत्रालय मनेका जी हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ठानी है कि हम इनको महिलाओं से शुरुआत करेंगे। महिलाओं के जो बचत ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसके माध्यम से हम इंकरेज करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम इंकरेज करेंगे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। और आज हमने देखे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी थे, एडिबल प्रोडक्ट्स भी थे यहाँ, और बहुत सारे ऐसे उपाय है जो हम लोग कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, वीट ग्रास की पाउडर्स लेते हैं, हम लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, और ये सब हमारे यहाँ बने हुए, हमारी महिलाओं ने बनाए हुए, कोई भी केमिकल उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और इसके लिए हम आज ये एग्जीबिशन कर रहे हैं, ये एक शुरुआत है, पर ये मोमेंट है और ये मोमेंट बहुत दिनों तक जाने वाला है, और ये मोमेंट से हमें ये रिजल्ट चाहिए, ये हमारा अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन सब जो रोगों से मुक्ति पाएँ, और ये सब जो एडल्ट्रेशन हो रही है खानों में या हमारे प्रोडक्ट्स में, उससे हम मुक्ति पाएँ, और इसमें एक इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन भी हम हमारी रूरल वुमेन को करें। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल बी मेड बाय वुमेन, दे विल बी सपोर्टेड बाय महिला आर्थिक विकास महामंडल, एंड दे विल बी ऑल्सो मार्केटेड बाय वुमेन, एंड ऑल्सो ऑफकोर्स एम्बॉस्ड एंड ऑल्सो बाय वुमेन, एंड रेकिला यू आर द सोर्स बिहाइंड ऑल दीज वुमेन वर्किंग फॉर दिस। तो हम चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बारे में इंफॉर्मेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है, क्या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, तो वो सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। उनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार आज इस बारे में जागरूक हुई है, भले ही वो देर से हम इस बारे में सोचने लगे हैं, पर आज हम सोचने लगे। आज अगर आप दुनिया में जाएं, आप स्पेन में जाएं, आप ग्रीस में जाएं, आप यूएस में जाएं, आप जहां भी जाएं, आप देखेंगे कि दे आर वेरी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड लॉसेस वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ एल्ट्रेशन। आप जाएंगे, ऑर्गेनिक फूड इज बिकमिंग वेरी फेमस एंड वेरी मैटर ऑफ कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे देश में जो कि हमारी मिट्टी में बनता है, जिसको हम पहले नकारते थे, पॉलिश फूड नहीं करके हम पॉलिश फूड लेते थे, आज किनोवा जैसी चीज़ें हम खा, मतलब जो हाई इनकम ग्रुप है वो खाते हैं डाइट के लिए, पर हमारे पास भी वैसा प्रोडक्ट मौजूद है मिलेट के रूप में, हम वो सब हाई फाइबर हाई प्रोटीन कंटेंट विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, इसको एनकरेज करने के लिए, और इवन द कॉटन द प्रोडक्ट्स वी आर वेयरिंग, हम जो कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी एडल्ट्रेशन है, उसमें भी केमिकल है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आज से हम ना करें तो बहुत साल शायद एक दशक में हम कुछ पाए और कुछ अच्छा रिजल्ट पाए, और आगे से जाकर हम बहुत सारे रोगों को जो हम निमंत्रण खुद ही देते हैं, हमारे एस्पिरेशन में कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा बड़ा यील्ड हो इसके वजह से, तो वो हम रोक पाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं, और इसमें आप सब स्टार्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो हमारा ये जो प्रयास है वो और उसकी चमक बढ़ गई है। So I really, really appreciate your presence here, and I really thank you all. I congratulate Indira ji for having this very simple, very subtle event for a very good cause. So I really thank all, and I thank Tripti ji also. I could not see, she was sitting there. She's a local representative, vidhayak hai yahan ki. Main sabke bahut bahut aabhar vyakt karta hoon. Thakur madam, ma'am, Pankaja Mundhe ji. Dignitaries, all dignitaries on the dais, to my right, my left, and Indira ji, namaskar aap sabko. Main is cheez se kyun judi, organic, kyunki main dil se manti hoon ki hum bachchon ko, chote chote bachchon ko, jo aaj paida ho rahe hain, jo badh rahe hain, hum in sabko pesticide bhare khane na dein. वो इस दुनिया में ये नहीं, ये कहकर नहीं आए कि हमें केमिकल वाले खाने दीजिए, इससे उनकी सेहत बिगड़ेगी, आगे जाकर ये अंधकार का ही रास्ता है।
I truly believe that, and I also believe कि हम अपनी अपनी धरती को pesticides और chemicals मार मार के हम उसे उसका नष्ट कर रहे हैं. So ये रास्ता नहीं होना चाहिए, हम organic की तरफ मुड़े और ये इसकी awareness और होती जाए. इसीलिए मैं इस cause को दिल से support करती हूँ. यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने इनवाइट किया उन स्टार्स को जो मेरे दोस्त भी हैं और जो दिल से इस चीज़ को मानते हैं, जाकिदा, तनुजा जी, तनीशा, डियान, मधु जी. मैंने थोड़ा सा समय लूँगी बताऊँगी, बस 3-4 हफ्ते पहले मैं जाकी जी के साथ शूटिंग कर रही थी, तो शूटिंग के बाद उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया. गिफ्ट क्या, एक छोटा सा प्लांट था, बहुत ही सुंदर सा उसका सिरेमिक का पॉट था, स्पाइडर प्लांट. और फिर उन्होंने मुझे बताया कि स्पाइडर प्लांट की अहमियत क्या है. ये बेंजीन अब्सॉर्ब करता है 20 फुट तक. तो आप इसे अपनी गाड़ी में रखिए, और क्योंकि हम जब एसी ऑन करते हैं तो ये जो प्लास्टिक से, गर्म प्लास्टिक से जो हवा आती है, या नई नई जो हमारी गाड़ियाँ बनी होती हैं, प्लीज गिव आउट कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स इन द एयर. हम फट से ऊपर अपना शीशा बंद करते हैं और वही हवा हम सांस लेते हैं, वो अंदर जाते हैं. आई वॉज अमेज्ड, मुझे नहीं पता था कि जैकी जी इन चीज़ों में इतना ध्यान रखते हैं. दैट्स व्हाट गिव मी इनसाइट कि अगर हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो लेट मी इन्वाइट हिम, बिकॉज आई नो हिज हार्ट इज इन दिस प्लेस. तनुजा जी इज ऑफकोर्स वी नो हर as an actress, very famous, legendary, but ये लोनावला में ज़्यादा रहती हैं, मुंबई कम आती हैं. She's socially very active over there as well, social causes में. मैंने जब इनसे बात की, इन्होंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी. मैंने कहा तनुजा जी, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, अगर आप मुंबई में हो तो आए, अगर लोनावला में हो तो कोई बात. She said मैं लोनावला से आऊँगी. अगर if it's a cause that needs to be supported, count me in, I will be there. मैं यहाँ से अंधेरी नहीं जा सकती, ये इतनी खुश है. तनीशा, मधु, we know them as actresses, television, social media, they're very very popular, but both their hearts are in the right place. कहते हैं अगर when you say you love flowers, you don't pluck them anymore. Instead, you water the plant. Then you know life. So I feel Tanisha and Madhu, they know life. And Deanne, I was very surprised. Deanne is a holistic health expert. ये मैं इनको socially एक या दो बार मिली हूँ, मगर जब मैं चंकी जी से बात कर रही थी, मैंने कहा who is interested in that? He said Deanne. Deanne की पूरी following है Instagram में. She has been doing holistic health for the past 15 years. She is doing exactly what we are trying to do today. She has been following it and she teaches it and she encourages it. And I said, Deanne, मैंने उनको phone किया, मैंने कहा will you come? She said, of course. And you want me to help? तुम बताओ मुझे क्या चाहिए? हम लोग चलते हैं, कुछ करते हैं इनके लिए. And all of them, they have just come because they believe in it. And I think people here who believe in it should be here. So thank you, I thank all of you very much for coming. अरे रश्मि जी, उफ, मैंने सॉरी रश्मि जी इज अ फूड एक्सपर्ट, आई मीन फॉर इयर्स शी हैज बीन राइटिंग अबाउट फूड. आई डोंट थिंक यू हैड अ चांस टू गो थ्रू द एग्जीबिशन. हियर यू हैव द मोस्ट सीरियसली द मोस्ट ऑर्गेनिक ओरिजिनल फूड्स ऑफ इंडिया, ऑफ द अर्थ, न्यूट्रिशियस elements which are right up here, and I'm sure and I hope you will enjoy looking through them. I believe she is also travel kar rahi hai aaj, but she said main travel karne se pehle zarur aaungi aapke liye. So I thank you as well, thank you so much, thank you. I'd like to request Ms. Nandita ma'am, yes, to speak a few lines from the ministry side. Absolutely, and thank you so much. I just felt the need to introduce the friends that I have invited because they have so kindly consented to come. I thank you very much. Thank you, Nandita ji, please. You're so great.
grateful on behalf of Government of India and Honorable Manika Sanjay Gandhi ma'am, I would like to personally thank you. Because of you, we are in Mumbai today. Because our ministry, which believes in empowering women, we have been approaching through the organic way of life. We want to empower the organic farmers, the rural women. For millions of rural Indian women, organic agriculture offers escape from the three D's, the three demons of debt, disease, and destitution. And I'm sure with the luminaries that you have got and the media here will promote so that the rural women get such a good market that we are forced to come to Mumbai over and over again. आधा किलो के भाव के हिसाब से 90 रुपए से नीचे मिलता है नहीं है. इट इज अवेलेबल 1 kg. तो व्हाट गवर्नमेंट गिव द बेनिफिट टू द जो बनाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप करती है जिससे मिडिल आर्मी को कम भाव में मिल सके. सेंट्रल आइटम एवरी मोल देयर आर मोर डबल बैक प्राइस इज अवेलेबल. डेफिनेटली बिकॉज जो चीज कम मिलती है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है. हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम सब चीज़ों को ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएं. सो बेसिकली नाउ इन द बिगिनिंग इन द ओरिजिनल डेज वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज अनपॉलिश राइस अनपॉलिश ग्रेन्स विच आफ्टर इन 80s एंड ऑल वी थॉट दैट इट वाज नॉट वर्थ हैविंग. वी शुड हैव पॉलिश्ड एंड मोर इवॉल्व्ड ग्रेन्स इवॉल्व्ड वेजिटेबल्स इवॉल्व्ड राइस. सो वेर एवर वी टॉक अबाउट हैविंग मोर क्रॉप पर unit or more yield for the farmers, we end up having more chemical exposure to the product. So it is not even good for farmers. So now the government also taking an initiative where we are encouraging chemical free farming, we are encouraging organic farming, and we are going to give them little, yeah. See, these are overpriced. It's not because their production is really that costly. It is overpriced because the target buyer is very high economic strata. That is why when we go into the middle class and lower middle class, it automatically gives that edge. So government is encouraging that by not by subsidizing grains, but we will encourage by subsidizing the organic fertilizers, by giving organic fertilizer production little bit of benefits. So automatically, and we will encourage farmers who totally go on organic. So we definitely do that. But the pesa, because it is only used by stars or the high economic group. So automatically, the demand and supply ratio is affected, and then the price is higher. So when we go low, as lower income groups, so automatically we'll be able to help the price. मेरा ये बात सही है, लेकिन वो price जो double price में देते हैं. मैं आपको example दे रहा हूँ, दाल के लिए हमें 20 रुपए में देते हैं. जो लाल 80 रुपया 90 रुपया 3 kg में मिलती है. सिंगदाना भी मिलता है. सिंगदाना का भाव 150 रुपया तो सेंद्रीय है. 1 kg 150 रुपीज़ के जी. जब दाल के लिए बताएं तो 180 रुपीज़ पर के जी. हाफ के जी 90 रुपीज़. डिफरेंस इज मोर. ये डिफरेंस इसलिए है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक सीड्स हैं, दे आर एक्सपेंसिव. और केमिकल में क्या होता है, यील्ड ज्यादा होता है, इसलिए वो चीपर होता है. एक मुट्ठी डालो तो पूरा खेत में बहुत सारा यील्ड आ जाता है. तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स का जो इंक्लाइनेशन होता है टू हैव मोर यील्ड, तो हम उसको ही टारगेट कर रहे हैं एट द ग्राउंड लेवल वेयर वी आर एनकरेजिंग ऑर्गेनिक. इट विल टेक कपल ऑफ इयर्स बट विल डेफिनेटली रीच दैट. हाय मैम, In an interview just very recently, I said the same thing. So, मुझे डांट पड़ी from my brother Ajay, who's also very involved with organic. उसने कहा कि ये तो सच नहीं है. And then I realized that Indra ji had informed Falguni, who's my manager, about stores which are government stores, organic stores, which actually have all these products at very reasonable rates. मगर मुझे नहीं पता था उसके बारे में. आई हैव बीन बाइंग ऑनलाइन एंड आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. और मुझे लगता है मैं तो फिर भी बाय कर लूँगी, मगर आम आदमी कैसे करेगा. सो व्हेन दीज स्टोर्स आर देयर एंड मेरे घर के पास है, मगर मुझे पता ही नहीं है क्योंकि वो एक थोड़ी सी मेन स्ट्रीट पे नहीं है, पीछे है.
उसकी कोई एडवर्टाइजिंग शायद नहीं हुई है. तो आई वुड से मैम प्लीज इफ यू हैव दीज स्टोर्स मेक देम नोन बिकॉज देर आर मेनी पीपल इंटरेस्टेड बट दे जस्ट डोंट नो वेयर. थैंक यू. That's also a good suggestion. We will make them known. But this is only for us. Me, Juri ji, Tanuja ji, Jackie ji, Madhu ji. But जो लोग गांव में हो तो ना ऑनलाइन खरीदते हैं ना स्टोर में जाके खरीदते हैं. वो तो जाके वो उनका एक सिस्टम होता है वहाँ से खरीदते हैं मार्केट कमेटी से उनका अनाज दिया जाता है. तो हम अनाज ही क्यों ना पैदा करें जो केमिकल फ्री है उस पर हमें जाना चाहिए. ये बहुत अच्छा सजेशन है और मैं खुद इस बात को अभी मैं मोटिव बनाऊंगी. मैं भी कोई चीज़ जब देखती हूँ तो मैं उसको बहुत आगे तक लेके जाने की मेरे प्रयास होता है. तो मैं भी इसमें खुद मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगी कि आप एनकरेज करिए जो लोग नो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग सी स्कीम हम ज़रूर करके उसमें एनकरेज करेंगे क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है. क्योंकि ये जो बच्चे हैं चलो हमारा जो होना था हो गया पर जो नए बच्चे हैं उनको सांस अच्छी हवा मिले उनको अच्छा अनाज मिले अच्छा खाना पीना मिले ये हमारा कर्तव्य बनता है. और वी आर बीइंग वेरी इग्नोरेंट अबाउट हेल्थ ओवरऑल सो वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट. Good afternoon everyone. My name is Harsh Vaidya. I am the chairperson for India Organic Society. We have 5,000 organic farmers across India we represent, and here is where we have a venture called as the Bombay Natural Company through which we bring together all the farmers produce and make it reach to the end user. We are not available in any stores. The answer to his question is the distribution margins are such. Trust me, getting it from the farmers, you won't believe we buy it from the farmers at much, much cheaper price than what government buys it from them because they're not recognized. So what we need is that we should work at the grassroots level, ensure more and more farmers are associated with this mission. What we are doing is we are empowering women, a lot of women coming together, and they are helping us to supply, to distribute it to every village. We have around 3,000 women here in Mumbai who in their free time, who are otherwise unemployed because of, they being married or some reason, they are reaching out to people at their doorstep and we are distributing this. The concern here is the distribution margins, which is the only culprit according to me. If you go to the farmers, it is very cheap. Trust me, you go down and check out the prices. They are much affordable than what you find in the market. So that's my answer to this question. There's no enough volume for you. Absolutely, but then there's lack of awareness. I mean, it's always been a rich man's food. You see, farmer always thinks to have more yield. So for him, it is a criteria of life and death that he has to have more yield. So if to whatever gives him more yield, he goes for that. Absolutely. It doesn't have to be necessarily healthy for consumer. So we have to make sure that whole chain is taken care of. Thank you. Any questions? Thank you very much. I'd just like to announce also that there's a technical session on how to get organic certification this afternoon. And on the 19th, we'll have a panel discussion on the various aspects of organic farming. And here I would like to ask Mahesh to kindly give this token of love to our a brief token of love, ma'am, for memento of the event. Arulji. This is a picture. Allah Tabak. Thank you.
Tanisha ma'am, Tanisha ma'am. Tanisha ma'am. Ma'am, ma'am, go, yeah, everyone, center. साहेब पाटिल जरा दोन साहेब क्लियर थैंक यू सर सर जी मैडम जी मैडम एक किलो का जी मैडम जी मैडम चेयरमैन करो दिखा मार रहे एक सेकंड में ये पीछे कर रहे टेबल तो पीछे जा सकते हैं बोले जी आप इसमें से कितना छापने वाले मेरे को बताइए रोल तो सब कर देंगे मैम प्लास्टिक से चलो रोल सबका वो टेबल साइड में कर दीजिए अभी करेक्ट थैंक यू साइड में कर दीजिए प्लीज मैं ये कहना चाहूँगी हर एक जन से जो ये देख रहे हैं और मुंबई में रहते हैं स्पेशली आप इस फेस्टिवल में ज़रूर आइए और इसकी चमक धमक पे मत जाइएगा बहुत ही सादगी से प्रेजेंटेशन है इस फेस्टिवल की मगर यहाँ जो चीज़ें बेची जा रही हैं ये बिल्कुल सच्ची अच्छी और एकदम सोर्स से आई हुई हैं यानी ऑर्गेनिक फार्मर्स अपना उगा के आपके लिए वेजिटेबल्स लाए हैं फ्रूट लाए हैं दालें लाए हैं मसाले लाए हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि सॉसेस बना के लाए हैं जूसेस बना के लाए हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और जिन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं ना जो हमारी मिट्टी में जो उग रही हैं और उगती थी हम जो उनको भूलते जा रहे हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी सो मेरा तो बड़ा मन था कि मैं सिर्फ देखूँ ही नहीं मैं खुद शॉपिंग कर लूँ मगर मैं वापस आने वाली हूँ मेरे को वो करना ही है और यहाँ सिर्फ वही बातें नहीं ब्यूटी केयर होम केयर सोलर प्रोडक्ट्स किचन प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं अच्छा एक स्टॉल मेरा भी है मेरे फार्म में जो वेजिटेबल्स उगी थी ना वो भी यहाँ पर लाई हुई है वो भी बेच रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ और मैं आभारी हूँ हमारे गवर्नमेंट की कि उन्होंने फाइनली ये प्लास्टिक का की बंदी की है मैं चाहती हूँ हम उनके ऊपर ही सिर्फ भार ना डाल दें कि वो हमारी निगरानी करते रहें हम भी उनकी मदद करें तभी ये काम होगा अगर हम चीटिंग करना शुरू कर दें बीच में कि नहीं नहीं एक प्लास्टिक की थैली निकाली दो ये प्लास्टिक इस दुनिया में इतना कहर मचा रखा है इसने अभी कि ये हमारी गाय को हमारे कुत्ते बिल्लियों को हमारे सारे जो आपको रास्ते पर एनिमल्स दिख रहे हैं ना सबको मार रहा है हमारे क्या बोलते हैं ओशन को क्या बोलते हैं सागरों में हमारी लेक्स में हमारे रिवर्स में इस प्लास्टिक का जहर घुलता जा रहा है पानी में जहर घुलता जा रहा है मछलियाँ उसको खा खा के मर रही हैं वो स्ट्रैंगुलेट हो रही हैं बहुत कुछ आप नहीं जानते वो बहुत कुछ हो रहा है प्लास्टिक की वजह से तो प्लीज़ गवर्नमेंट का साथ दीजिए कि जो उन्होंने कहा है कि बैन करना है उसको हम सपोर्ट करें अगर कोई कहीं प्लास्टिक बैग दे रहा है तो उसे हम करेक्ट करेंगे बोलो भैया ये नहीं करना चाहिए हमें आप भी जागृत रहिए और गवर्नमेंट की हेल्प करिए तभी ये सक्सेस होगा आईपीएल से एंग्जाइटी बहुत होती है बट हर
मैच में दिल ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक्साइटमेंट तो होती है मगर डर भी बहुत लगता है मैच के दौरान। हाँ जी, मैं फिर आ जाऊंगी पर्दे पर और फिर आप कहेंगे मेरा कमबैक हो रहा है। हर एक दो साल में आप कहते हैं आपका कमबैक हो रहा है ना। हाँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, कमबैक करती रहती हूँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, विधु विनोद चोपड़ा जी की प्रोडक्शन है और शैली धार चोपड़ा डायरेक्ट कर रही हैं। बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है। अनिल जी हैं, सोनम कपूर, राजकुमार राव, मैं हूँ, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। सो दैट विल बी वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई लुक फॉरवर्ड टू दिस ईयर। अभी तो शूटिंग हो ही रही थी तो अब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल। मेरा बड़ा मन था कि ये फेस्टिवल, जब मैंने जाना कि ये दिल्ली में हो रहा है तो मैंने मेनका जी को लिखा था कि आप मुंबई में क्यों नहीं करते। मैं जानती हूँ कि पीपल हु आर अवेयर, यंग मदर्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है पेस्टिसाइड्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में, वो अपने बच्चों को ये नहीं खिलाना चाह रहे। मगर अगर हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से लाएं ऑर्गेनिक फूड तो हम लाएंगे कहाँ से। तो जब तक ये बात आप हम तक नहीं पहुँचाएँगे और हम इस बात को बढ़ावा नहीं देंगे तो ये आम जनता के पास कैसे पहुँचेगी। और यही सही है, you have to come back to the basics, you have to come back to organic unless you want to kill everybody on this planet. theek hai, thank you. no, okay, ab sab ho gaya na, no selfies please, no selfies, she'll take it. thank you.